अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल है सर? कैसे हैं? ठीक है। आपके बारे में बात हो रही जी। अरे मैं उनसे पूछता हूँ, अगर आप अंदर चले जाए। किससे पूछ रहे हैं? मुझसे से पूछता हूँ, और किससे पूछना भाई? आप हमारे भाई आए हैं भाई, वो बनवाने के लिए अपना फिल्म है, तो मैं उनसे पूछ रहा हूँ, आप चले जाए। अच्छा, पहली बात ये है कि हम कोई फिल्म नहीं बनाने आए, दूसरी बात ये कि मेरी जगह है। कौन सी? आम आदमी की जगह है, थाना आपके लिए है। हाँ जी सर, थैंक यू मच। आ जाए एक सेकंड, गाल सुनो यार मेरी, इतना नहीं। एक सेकंड प्यारे भाई, इतना नहीं सर, कोई झगड़ा ही नहीं है, कोई नाराजगी नहीं। कैमरे बात, कैमरे नहीं, कैमरा नहीं अंदर आएगा। एक मिनट आप बात करें, कैमरा अंदर नहीं आएगा। सर एक सेकंड सबर करें। किस कानून के मुताबिक? मैं आपको एसओपी बताता हूँ ना, सीसीपीओ की तरफ से। सर मुझे सारे पता है एसओपी। हाँ एक मिनट, कैमरा यार अब आप मुझे एसओपी दिखा दें। कौन? मैं चेक करवा दे। हम यही खड़े हैं सर, कोई मसला ही नहीं। कैमरा बाहर करें सर, एक सेकंड। मैं सर कह रहा हूँ ऐसा मसला नहीं यार। तारिक साहब आप एक सेकंड प्लीज, कैमरा चार्ज कौन है? एक सेकंड, मैं फिलहाल मैं बताता हूँ। एक मिनट सर, आप बाहर हैं। सर एक सेकंड रिलैक्स, आप अंदर रहें, कैमरा अंदर नहीं आएगा। कैमरा दरवाजे पे खड़ा, आगे नहीं जा रहा। नहीं इधर इधर से आगे। आप हमें एसओपी दिखा दें। मैं आपको दिखाता हूं, मैं कह रहा हूं आम आदमी का इस थाने में आना मना है। आम आदमी नहीं, कोई भी आए कैमरा नहीं आएगा। आपकी डेजिग्नेशन क्या है? मैं मुहर्रर हूं इधर। मुहर्रर जी जी, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। चीफ जस्टिस चीख के थक गए कि रास्ते खुलवाए। जी जी, शहबाज शरीफ के बेटे प्लीज, हमजा शहबाज सारे रास्ते खुलवाए गए, ये आपने गली पे कब्जा कैसे किया हुआ? नीचे आ जाए आम आदमी के। नहीं आप हमें सारी गाइडेंस लाना दें, हम अपनी मर्जी से काम करें। मैं इधर खड़े हो जाए, मैं बताता हूँ। इस टाइम आप थाने से बाहर हैं? नहीं अभी ये थाने से बाहर अंदर है। कहाँ पे? ये अभी बाहर, कैमरा बाहर का। सर एक सेकंड, दरवाजा भाई कैमरे बाहर है, हम थाने के बाहर खड़े हैं। इधर आ जाए, मुझे बताएं, मैं बताता हूँ। मुझे ये बताएं कि ये गली पे कब्जा क्यों है? गली के कब्जा नहीं है, नवाज शरीफ की सारी। जब मैं आप क्वेश्चन कर रहे हैं, मैं जब जवाब दे रहा हूँ, फिर आप हमजा शहबाज के रास्ते खुलवा दिए, इसहाक डार के खुलवा दिए, किसी को इजाजत नहीं दी कि वो गलियां बंद करे, रास्ते रोके। आप कैसे रोक के बैठे? अच्छा, इसमें माल सरकार रखने के लिए कोई जगह नहीं है। ठीक है, ये जो मोटरसाइकिलें हैं माल सरकार है, इसीलिए ये बाहर खड़ी की। ये किसका मसला है? ये गवर्नमेंट का मसला है, महकमा पुलिस का मसला है ना? जी जी, वो बिल्डिंग आम आदमी को क्यों फाड़ कर रहे हैं? किस आम आदमी को भाई? ये आम आदमी सारे खड़े हैं, दिखाएं नहीं कैमरा, ये सारे आम लोग हैं। हाँ। इनकी गली है, इनका रास्ता है भाई। हाँ। महल्लेदार है, इनको खबर किसी को कोई खबर नहीं कर रहे। इसके बारे में एसओपी बनाई गई है, ये मालखाने में जमा करवा रहे हैं हम, ये सब कुछ कर रहे हैं। कितने? लेकिन ये इतनी शॉर्ट टर्म का काम नहीं है, ये लॉन्ग टर्म। कितना टाइम लगता है एक गली खोलने में? चीफ जस्टिस साहब के ऑर्डर्स के मुताबिक किसी को रास्ता बंद करने का, ये हम इसको बाहर नहीं फेंक सकते, इसको जमा ही करवा सकते हैं ना? तो क्यों नहीं जमा करवा रहे हैं? आप रिकॉर्ड दिखा दें कि पिछले एक महीने में आपने यहाँ से कितना माल कहीं जमा करवाया, बता दें। वो दिखा दे कोई रिकॉर्ड। ये हमारी एसओपी के तहत, हम अफसरों के नोटिस में है, हम ये सब कुछ कर रहे हैं। सर जो मैं अर्ज कर रहा हूँ, मुझे आप बता दें, आपने कहा हम जमा करवा रहे हैं, अभी आपने कहा अफसरान के हुक्म के मुताबिक कर रहे हैं। यार जमा करवाने का प्रोसीजर होता है ना, इनके चेसी नंबर, इंजन नंबर, जो प्रोसीजर बता दें क्या है? प्रोसीजर होता है कि इनके चेसी नंबर, इंजन नंबर, एंटी मोटरसाइकिल लिफ्टिंग को बताते हैं, वो चेक करते हैं किसी मुकदमे में तो नहीं है। बाकी जो लावारिस मोटरसाइकिल होती है, नहीं जा रहे सर, साथ आए ना आप, थाने के बाहर आने से भी परेशान हो रहे हैं। बता दें मुझे, मैं आपको मोटरसाइकिल दिखाना चाहता हूं। चेक करवा सर, आए ना सर, कैमरा मैन उधर कर ले भाई, आप साथ आएंगे तो मैं खड़ा हूं इधर देख रहा हूं। यार अजीब शाही रवैया भाई, हम आम आदमी के रिप्रेजेंटेटिव है ना, जी जी। आम आदमी का मसला लेकर आए, कब्जा भी आप करें, उसके बाद शाही रवैया भी दिखाएं, और दो कदम उठाने के लिए ना अंदर जाने दें ना बाहर आने। कैमरा अंदर नहीं जाएगा ये भाई, एक सेकंड एक सेकंड, सीसीपीओ साहब को ये भी बताएं कि हम रास्ते रोक के बैठे हुए हैं, उनको ये भी बताएं कि आम आदमी के बारे में हम जा कर रहे हैं। इसके बारे में आए जरा मेरे साथ, मैंने आपको चेसिस नंबर दिखाने हैं ना, इंजन नंबर, चेसिस नंबर मैंने आपको दिखाने हैं। किस चीज के? जिसका आप ये कहते हैं कि जी हम कर रहे हैं, ये पिछले 10-10 साल से यहाँ पर मोटरसाइकिल बंद है, मुझे बताएं क्यों नहीं गई? रास्ता क्यों बंद हुआ? चार्ज इसी महीने में आया, मैं करंटली इसी महीने में मैंने मुहर्रर का चार्ज लिया है। ठीक है, ठीक हो गया ना, अभी मैं इसको बारे में कर रहा हूँ डिस्कस। आपसे पहले भी यहाँ मुहर्रर था। ठीक है, थाना देखिए, एक चीज ध्यान में रखें कि रियासत अफराद के आने या जाने से बंद नहीं होती। जी जी, रियासत का इदारा है ना थाना। बिल्कुल, आपसे पहले बंदा भी यहाँ पर मौजूद था, उससे पहले भी मौजूद था। हम तो आपसे इख्तलाफ ही नहीं कर रहे, हम तो निजाम नहीं कर रहे। मैं कह रहा हूँ ना कि वो हम कर रहे हैं, इसके बारे में मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि नहीं कर रहे।
वो कर रहे हैं हम, दिखा दें जो कर रहे हैं। ठीक है आप बंद करें, आ जाएं मेरे साथ। नहीं बंद नहीं करें, हमने आपसे छुट्टी नहीं लेनी, बंद कर रहे हैं। आ जाएं मेरे साथ, मैं चेक करवाता हूं। हां जी, आप कैमरा अंदर, कैमरा अंदर, नहीं नहीं प्लीज कैमरा अंदर। तो फिर हम देखेंगे कैसे भाई। मैं नहीं इस कैमरा, मेरी बात सुने, हम देख आप बाहर उठा लेंगे, मैं कैमरा नहीं, मसला हल कर देते हैं, आप बाहर उठा लेंगे कैमरा नहीं। मैं यही खड़ा हूँ सर, आप बात रिकॉर्ड बुला लें, आप थाने का रिकॉर्ड गलियों में आएगा, बुला लें बाहर, ले आए रिकॉर्ड ले आए। नहीं नहीं कैमरामैन सर, कैमरा देखिए मेरी बात, प्लीज प्लीज, नहीं होता होता, कैमरा हमारी आंख है, आम आदमी की आंख भी है, आवाज भी है, जी जी, आप उसको नहीं रोक सकते। नहीं ये अगर आपका जो एसओपी है मुझे वो दिखा दे। हाँ, वो मैं आपको अंदर आ जाएं। नहीं नहीं हम अंदर, कैमरा के बगैर हम नहीं। प्लीज अंदर सर, आप प्लीज यहाँ पर ले, मैं अपने जाता हूँ, कैमरा प्लीज बंद कर। ठीक प्लीज कैमरा सर, खुदा का खौफ करें, आप आम आदमी की ऐसी तैसी किए जा रहे हैं और बातें सुना रहे हैं यार। इंतजार की घड़ी टिक टिक कर कर चलती जा रही है। इस वक्त टीम लाहौर पूछता है को थाना कोट लखपत पहुंचे, तकरीबन 50 मिनट गुजर चुके हैं और पुलिस ने टीम लाहौर पूछता है आम शहरी आम लाहौरी की आवाज को थाने की शाही दहलीज तक महदूद कर रखा है। हमारे यहां आने का मकसद सिर्फ एक था कि आम आदमी का रास्ता क्यों रोका गया, कौन सा वो शाही हुक्म है जिसने आम आदमी के रास्ते को बंद करने के ऑर्डर्स जारी किए। जहां पर मौजूद हैं, 50 मिनट गुजर चुके हैं, शाही अफसरान अंदर अपने फुरफुर के कपड़े समेटने में मसरूफ हैं और टीम लाहौर पूछता है को शाही दहलीज तक महदूद कर दिया गया है। हम यहां मौजूद हैं और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम अपनी सहाफती जिम्मेदारी अदा करते हुए आम शहरी के जानने के हक को उस तक पहुंचाएं, उसके लिए हमें कोई कीमत भी अदा करनी पड़े। पुलिस बकायदा अपने तेवर दिखाने की कोशिश कर रही है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा और उसके बाद चौथा, पांचवा, छठा एहलकार बाहर आता है। टीम लाहौर पूछता है को घूरता है और उसके बाद फिर अपने शाही कमरों में घुस जाता है। हम यहां मौजूद हैं और आज ये जाने बगैर यहां से ना जाने का इरादा रखते हैं कि आम आदमी का रास्ता चीफ जस्टिस के ऑर्डर्स के बावजूद क्यों रोका गया, कैसा रोका गया और कौन है वो इतना बड़ा अफसर जो इन रास्तों को खुलने नहीं देता। कितना पेट्रोल मिलता है आपकी मोटरसाइकिलों को गश्त के लिए? मोटरसाइकिलों का तो मैंने बता दिया कि मेरे पास रिसेंटली जो है वो कोई मोटरसाइकिल नहीं, कोई एक मोटरसाइकिल भी आपके पास गश्त के लिए नहीं है। थाना कोट लखपत हो रहा था, कैसे सिक्योरिटी की जिम्मेदारियां पूरी करते हैं? जो पहले मोटरसाइकिल थी वो खराब हो गई हैं, वो हमने देखी है, हमारे पास खड़ी हैं अभी न्यू, हमारे पास कोई हमें इशू नहीं की। अच्छा कैसे करते हैं गश्त, कैसे करते हैं वो बताएं। गश्त अगर वो प्राइवेट मोटरसाइकिल है और हमारे पास दो गाड़ियां हैं सरकारी, एक एसएचओ साहब के पास होगी, एक चौकी इंचार्ज और एक चौकी इंचार्ज के पास, तो गश्त कहां हुआ? आम आदमी की सिक्योरिटी के लिए जो गश्त किया जाता है वो आम आदमी की सिक्योरिटी के लिए करते हैं, प्राइवेट मोटरसाइकिल पे किया जाता है, नहीं सरकारी गाड़ियों पे। अभी हमारे पास रिकॉर्डेड है भाई, आपकी ऑडियो रिकॉर्डेड है और दूसरी बिल्कुल इस टाइम मैं चाहूंगा कि जिस वक्त ये हमें अंदर नहीं आने दे रहे थे, कैमरास को रुका हुआ था, जो ऑडियो इनकी हमारे कैमरास ने रिकॉर्ड की वो सुनिए। सिक्योरिटी के हवाले से गश्त पे इन्होंने क्या कहा था, मुहर्रर हैं चंद दिन यहाँ पर आए हुए, जैसे इस इलाके में मुहर्रर पहली दफा है। देखिएगा कितने मोटरसाइकिल पेट्रोलिंग करते हैं? मोटरसाइकिल मेरे पास कोई सरकारी नहीं। आपके इलाका थाना में कोई गश्त नहीं होता मोटरसाइकिल पे आपके थाने से? मेरे प्राइवेट मोटरसाइकिलों पे गश्त होता है। प्राइवेट मोटरसाइकिल का फ्यूल कौन देता है? वो जो मुलाजिम गश्त करते हैं, मुलाजिम गश्त करते हैं वो उन्होंने ही करना होता है, उनके पास कार्ड होता है। कह दें उनके पास भी कार्ड होता है, ऐसे ड्राइवर के पास कार्ड होता है? आपके क्वेश्चन का जवाब दे रहा हूं, आप मुझे जवाब ना देके क्वेश्चन। कितने का उसके पास कितना पैसा होता है अपने मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलवाने के लिए जिसे उसने गश्त करना है? वो जो भी अपना एडजस्ट कर लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं। क्या मतलब है इसे एडजस्ट करने का? लेके आप जो आप बात कहना चाह रहे हैं ना, जो पैसे किसी से लेके करते हैं वो आप, मैं नहीं आपको ये कहूंगा कि वो पैसे किसी से लेके कहते हैं। एडजस्ट कैसे करते हैं मैं वो बता दें, हम आपकी बात मानते हैं। माशाल्लाह अच्छी खासी पे है उनकी, जिम्मेदार ऑफिसर हैं सारे। यानी कि आपका एक सिपाही अपनी जेब से, मैं लाहौर की बात कर रहा हूँ, शहबाज शरीफ के लाहौर की, वो अपनी तनख्वाह से पेट्रोल डलवा के काम करते हैं, मुहाफ़ज़ा आउट करते हैं बिल्कुल। तो आपके पास तो सरकारी मोटरसाइकिल है ही नहीं ना, तो यानी कि सारे रोजाना आपके पास मुहाफिज जो है वो अपनी मोटरसाइकिल पे जाते हैं, अपनी पल्ले से पेट्रोल डलवाते हैं। जी आपने इनकी वो बात सुनी कि हम प्राइवेट मोटरसाइकिलों पर गश्त करते हैं, जिसमें इन्होंने डिफेंड भी किया कि अहलकार अपनी जेब से पेट्रोल डलवाते हैं। पहले तो यही जुर्म है कि मेरा एक पुलिस अहलकार, मैं बहुत क्लियरली कह रहा हूँ मेरा एक पुलिस अहलकार, क्योंकि ये लोग हम में से हैं,
इनको इनकी तनख्वाहों से तेल क्यों डलवाना? इसमें आपको अप्रिशिएट करना चाहिए पुलिस को, आप कह रहे हैं डिफेंड कर रहे हैं। अप्रिशिएट करूं जी इस चीज के लिए कि वो पेट्रोलिंग कर रहे हैं आवाम की हिफाजत के लिए अपनी मोटरसाइकिलों से, अपनी जेब से। हां तो अप्रिशिएट करना चाहिए ना पुलिस को आपको। प्राइवेट मोटरसाइकिल पे गश्त करना कानून? बिल्कुल, अगर हमारे पास नई सरकारी है तो अपने वसाइल हम इस्तेमाल कर रहे हैं। लाहौर में सरकारी मोटरसाइकिल नहीं है? नहीं, इतनी अवेलेबल है वो उतनी उन्होंने थाने में तकसीम की हुई है, हमारे पास नई नई अभी है सर पिछले। ये तो अप्रिशिएट करने वाली बात है ना पुलिस? नहीं सर, नहीं बिल्कुल भी नहीं अप्रिशिएट करने वाली। इसमें क्या अप्रिशिएट करने वाली बात ये है कि जो टैक्सेस से पैसा हम देते हैं वो सही जगह पर लगे और मेरा हर पुलिस एहलकार खुशहाल हो, उसको किसी की जेब पे नजर ना रखे। नहीं माशाल्लाह इतनी तनहाई है पुलिस की, वो किसी की जेब पे अब नहीं होता। पक्की बात है 100% सर, लोग लॉरी सब जानते हैं? नहीं सर बिल्कुल, और ये रोज भुगतते हैं लॉरियन सारा, बिल्कुल आप पुलिस पे पूरा एतमाद है, पूरा एतमाद है। अच्छी ख्वाहिश है जी, हम इनकी ख्वाहिश का एहतराम करते हैं, बहसियत इंसान बहसियत लाहौरी हम इनकी ख्वाहिश का एहतराम करते हैं कि शायद ये गुमान जो पाले बैठे हैं वो बेहतर होगा, ठीक होगा। सर हाउ यू, कैसे हैं? सर मियां इमरान अरशद लाहौर रंग से। सर आपके थाने में आए जी, आपके मुलाजमों के हालात दिखाए सर, चीफ जस्टिस के ऑर्डर्स के बावजूद बंद सड़क दिखाई सर, जिम्मेदार था आपने देख ही लिया, ये सड़क तो है नहीं, पहले तो ये छोटी सी गली है और ऊपर आपने बिल्डिंग देख ही ली, यहाँ पे मोहर का बैठने का हाल, ये किराए की बिल्डिंग है, बिल्कुल ठीक है। आपने इसको मैं ठीक मानता हूँ, लेकिन उस बात से मैं उसके लिए हमने उसकी एक SOP है, जितनी भी ये लवारिस मोटरसाइकिलें काफ़ी तादाद में खड़ी है, बहुत पुरानी खड़ी, इनकी एक SOP है, तो SOP के मुताबिक हमने इसको इसका रोड काटना होता है, और अगर जिस जिसकी मालकान की है वो एंटी मोटरसाइकिल स्क्वाड वालों को बताया, अगर वो कोई मालिक मिल जाए तो वापस कर देंगे, अगर ना मिले तो फिर ये इनको मालखाने में हम जमा कर, मालखाना मुनामे में, जो कि साला साल से नहीं जा सका। आई होप कि आप कोशिश करेंगे और ये रास्ता खुलेगा, क्योंकि ये मेरे और आपके भाइयों का रास्ता है, हमारी बहनों का रास्ता है, सैकड़ों घर इस गली में, जिसको आपने छोटी सी गली कह दिया ना इस आबादी में, ठीक है। अच्छा सर, जो मुलाजमीन की बदहाली है, आप आज अल्लाह ने आपको यहाँ पर SHO बनाया है, अब ये सारे आपकी जिम्मेदारी है, ऊपर वाले कहना नहीं मानते, नीचे वाले तकलीफ में है, आपने ब्रिज का काम करना है, क्या इश्यूज है? क्या इश्यूज है इसमें? ये कि जो यहाँ पे प्रॉपर्टी तो अवेलेबल नहीं है हमारे पास, वो बिल्डिंग वाले भी आए थे, कुछ जगह देख रहे हैं थाने के लिए, इंशाल्लाह इसी जो बजट है इसमें हमारा थाना भी शामिल है, उम्मीद तो है कि इसी साल में थाने की जगह कोई मिल जाएगी और कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगी इसमें। आई होप कि ऐसा ही हो सके, क्योंकि आम पुलिस एहलकार जिसने सबसे पहले अपनी जान दी बिल्कुल वो महफूज होगा। हम बेसमेंट देखना चाहेंगे जी, SHO साहब अल्लाह ने खुश रखे, हमारी इंतहाई जहद और कोशिश के बाद वो यहाँ पर तशरीफ लाए हैं, और हम उसको फिर भी बहसियत आम आदमी की आवाज़, आम आदमी का नुमाइंदा, हम उसको अप्रिशिएट करेंगे कि चलो देर से सही लेकिन अपनी ड्यूटी पर आ तो गए। हम नीचे जाएंगे, आपको दिखाएंगे कि क्या हालात हैं। इस तहखाने को मैं किसी तौर भी ये कह नहीं सकता आसानी के साथ कि ये एक पुलिस स्टेशन है। खादिमे आला वजीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के प्यारे प्यारे लाहौर के ये हालात हैं। आप देख सकते हैं कि अहलकार कहाँ सोते हैं, ये वो अहलकार हैं जिनकी जिम्मेदारी है सबसे पहले अपनी जान देना ताकि मेरी जान और खादिम आला की जान महफूज रह सके, ये वो बिस्तर हैं, ये वो कालीन है जिस पर ये जिम्मेदार मुलाजमीन, मैं अफसरान नहीं कह रहा, ये जिम्मेदार मुलाजमीन सोते हैं, जिनसे ये तवक्को की जाती है कि वो गश्त अपनी जाती मोटरसाइकिल्स पर करें और अपनी ही मोटरसाइकिल्स में अपनी जेब से पेट्रोल डलवाएं, ये उनके हालात हैं। टीम लाहौर पूछता है का मानना है कि आम आदमी ख्वाह सरकारी मुलाजिम ही क्यों ना हो, उसके मसाइल के हल के हवाले से आला ऐवानों तक आवाज पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है और हम ये जिम्मेदारी मुकम्मल जाफिशानी के साथ अदा कर रहे हैं। ये बिस्तर हैं जहां पर सरकारी मुलाजिम सोते हैं, ये वो दरियां कालीन और टेंट्स हैं जहां पर वो अपने अयाम जिंदगी मुकम्मल करते हैं क्योंकि सरकारी मुलाजमत करनी है। आप ये देख सकते हैं ये वो सरकारी माल है जो इकट्ठा किया गया, प्राइवेट प्रॉपर्टीज हैं जो आज सरकार की तहवील में है, उनके हालात क्या है आप देख सकते हैं। वजह सिर्फ एक है कि सहूलियात और इंतजामी मामलात इंतहाई जबूहाली का शिकार हैं। ये वो एयर कूलर है जिसके साथ मेरा प्यारा
आम सिपाही हवा लेता है और इस ठंडी ठंडी हवा में वो अपनी रात बिताने की कोशिश करता है। गर्मी का मौसम है। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। और ये वो सरकारी रिकॉर्ड है। आप देखें, सरकारी रिकॉर्ड की अहमियत से कभी भी इनकार नहीं किया जा सकता। ये पंजाब पुलिस का सरकारी रिकॉर्ड है जो आज बदहाली जबूहाली का शिकार है, कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। आगे चलें, ये वो तमाम चीज़ें हैं जो आज बेहतरीन एनवायरनमेंट में पड़ी होनी चाहिए थी, क्योंकि इनके साथ आम आदमी के केसेस जुड़े हुए हैं। आम आदमी की एक नस्ल के बाद दूसरी नस्ल और फिर तीसरी चौथी पांचवी नस्ल के मामले जुड़े हुए हैं, लेकिन बदहाली बदकिस्मती का आलम यह है कि आज प्रॉब्लम्स में हैं। आप ये देख सकते हैं, ये आम पुलिस एहलकार जो मुलाजमतें करते हैं इस मुआशरे को महफूज बनाने के लिए, उनके सामान, साजो सामान और रहने की जगह है। मैं किसी तौर ये मानने के लिए तैयार ही नहीं, ये तमाम मामला देखने के बाद, कि आज हम शहर लाहौर में, तख्ते लाहौर में मौजूद हैं। मुझे इस तरह लग रहा है कि दूसरी जंगे अजीम के बाद हम किसी तबाह हाल, मफलूकुल हाल और बदहाल इलाके में मौजूद हैं। सर ये क्या है, आप यहाँ कहाँ पे बैठे हैं, ये क्या जगह है? अच्छा, इनकी समात का मसला है जी। ये आम अहलकारों की बैठने की जगह है। और ये देखें, यहाँ पर पानी किस तरह लोगों को पीना पड़ता है, सरकारी मुलाजमीन को। ये शहबाज शरीफ की पॉलिस है, पंजाब की पॉलिस है, पाकिस्तान के सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाले सूबे पंजाब की प्यारी प्यारी शाही पॉलिस है।